तो दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो में हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि ट्रेडिंग सेक्टर का काफ़ी वेटेज और दिग्गज कंपनी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जिस समय से मार्केट में लिस्ट हुआ तभी से मार्केट में गिरावट ही गिरावट देखने को मिलता है। बहुत सारा इन्वेस्टर का इस कंपनी के ऊपर डॉट लग रहा है। आज के बाद में इस वीडियो में सारी डीप में हम कवर करेंगे, और उससे पहले भी मैं इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी बताया हूँ। आज भी इस वीडियो में पूरे डॉट क्लियर करूँगा। और पेनी स्टॉक की तरह मार्केट में लिस्ट हुआ हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और गिरावट में भी पेनी स्टॉक काफ़ी मात्रा में बाय हो रहा है इन्वेस्टर के द्वारा। ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, यानी कि आज के दिनों में लाइव क्वांटिटी दिखाऊंगा कि कितने मात्रा में क्वांटिटी आज के दिनों में ट्रेडर ने बाय किया, तो ये आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फंडामेंटल की बात करें तो अभी के समय में 215 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और वन डे के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें तो 2.5% से भी ज़्यादा लॉस देखने को मिला हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज। और इसके वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में भी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज जो कि 7% का गिरावट ही गिरावट देखने को मिला। और इसकी मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में भी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6% का गिरावट ही गिरावट देखने को मिला, जो कि सॉलिड हाई वोल्टेलिटी से गिरने की संभावना दिख रहा है। और ये जो हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट लिस्टिंग की बात करें तो 231 रुपीज़ पर लिस्टिंग हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल को, यानी कि आज से 12 रोज पहले ये पेनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। और लिस्टिंग जो हुआ था 231 रुपया पर ये हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिस्टिंग हुआ था, और उसके आईपीओ के लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रहा है। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ आने वाला है इसमें बहुत सारा बात इन्वेस्टर के मन में डॉट चल रहा है, आज ये भी डॉट क्लियर हो जाएगा। यानी कि हरिओम पाइप इंडस्ट्री अभी के समय में लॉस की बात करें तो 15 रुपया लॉस में चल रहा है अभी के समय में, जो कि 231 रुपया पर ट्रेड कर रहा था, फर्स्ट टाइम लिस्ट हुआ था 215 रुपया पर अभी के समय में ट्रेड कर रहा, यानी कि छोटा सा रकम है, यानी कंपनी लॉस किया है। और हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें आज के दिनों में मार्केट ओपन इंडिया की तो 210 रुपया 65 पैसा पर मार्केट ओपन हुआ था, हाई की बात करें 216 रुपया 95 पैसा, लो की बात करें 210 रुपया 65 पैसा है। मार्केट कैप की बात करें तो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। ऊपर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो 52 वीक की हाई सी डी पी स्कोर की बात करें तो 245 रुपया, और लो सी डी पी की बात करें तो 208 रुपया, यानी कि इसका हाई सी डी पी भी काफ़ी ऊपर तक है। अब जो इस कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, यानी कि स्पेन स्टॉक की कंपनी के हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज की रिवेन्यू जनरेट के बारे में, इस कंपनी का टोटल रिवेन्यू टर्नओवर कितना है तो 100+ देख सकते इस कंपनी का करोड़, यानी कि रिवेन्यू है। नेट इनकम की बात करें 6.43 करोड़ इस कंपनी का नेट इनकम है। डायलूटेड ईपीएस की बात करें 7.56 डायलूटेड ईपीएस। नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन की बात करें 6.41%, और ऑपरेटिंग इनकम की बात करें 10.79 करोड़ है। यानी कि हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जितने भी फाइनेंशियल टर्म में बात किए, चाहे रिवेन्यू हो, चाहे नेट इनकम हो, चाहे डायलूटेड ईपीएस हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम हो, सभी में कंपनी प्लस पॉजिटिव अभी के समय में चल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में सभी में अच्छा रिटर्न देख रहा है, और कंपनी फंडामेंटली अभी के समय में गिर रहा है। अब जो इस बात पर बहुत सारा इन्वेस्टर का जो डॉट है ये आज मैं क्लियर करूंगा, जो कि की पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि की पॉइंट में फर्स्ट नंबर आज के दिनों में इन्वेस्टर के द्वारा बाय किए गए क्वांटिटी की डिटेल बात करें तो आज के दिनों में दिखाऊंगा, जो कि आज ट्यूडे का है, जो कि लाइव टू लाइव अप टू डेट है। देख सकते हैं आज के दिनों में जो क्वांटिटी बायर की बात करें तो 214 रुपये, यानी कि मार्केट जिस समय में ओपन हुआ था ऊपर नीचे दोनों देखने को मिला, और ज़्यादातर मार्केट नीचे ही देखने को मिला, तो 214 रुपया पर 99 क्वांटिटी इन्वेस्टर बाय किया, और 214 रुपया पर 200 क्वांटिटी, 214 रुपया पर 329 क्वांटिटी, 213 रुपया 20 पैसा पर 40 क्वांटिटी, 213 रुपया पर 278 क्वांटिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी आज के दिन में बायर की बात करें तो 2310 क्वांटिटी आज के दिनों में बाय किया। यानी कि गिरावट में भी इन्वेस्टर क्यों बाय करें, यानी कि ये जो कंपनी लगातार तो मार्केट में गिरावट ही गिरावट चल रहा है, तब पर भी इन्वेस्टर क्यों बाय कर रही है, सब के मन में डॉट क्लियर होता होगा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड जो काफ़ी बड़ा वेटेज और दिग्गज कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग, अभी के समय में लॉस में देखने को मिलेगा, बट इसका जो सपोर्ट लेवल है जो कि अदानी विल्मर से भी आगे भाग सकता है, बट आपको अभी के समय में होल्ड करना, यानी कि जितना नीचे गिरेगा उतना आपका बाइंग लेवल बन रहा है, यानी कि इतना आप खरीदारी कर सकते हैं इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसलिए हम भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कंपनी जितना गिरे उतना मात्रा में कम से कम आप ज़्यादा से 20 से 30 ही क्वांटिटी बाय कीजिए,
मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 20 क्वांटिटी भी बाय किया, 180 क्वांटिटी, 500 भी क्वांटिटी, 40 भी और 300 भी क्वांटिटी बाय किया, आप मात्र हम आपको 20 से 30 क्वांटिटी का रिकमेंड कर रहा हूँ। आप 20 से 30 ही क्वांटिटी बाय कीजिए और बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। 100% श्योर है कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग और वेटेज कंपनी है।